मेरे दिमाग में क्या, गुरु जी ऐसी कोई माया में मन डालो कि कोई मैं बड़ा सिद्ध हूँ और अपने मेरे को कुछ नहीं, मन मुझे ऐसी चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं देता, कोई माया में मुझे मन डालो। गुरु जी बहुत जोर से हंसे, ठहा के माथे हंसे, दोनों ही बैठ गए। बाद में वो बात आई, मैं भी गुरु जी उठे, फिर बाद में हम सब लोग आ रहे थे तो रात के 10-11 बजे थे, जब गुरु जी हम 8 बजे से 11 बजे से बात करते हुए गुरु जी आए बाहर। आकर ऋषि जी जोधपुर से दिल्ली जाने का रास्ता मालूम थे, व्यान में आए हैं। मैं बोला हाँ गुरु जी, ऐसा करता हूँ मैं तेरे को आकर वहाँ जोधपुर के बॉर्डर तक छोड़, मैं गुरु जी आप मत आओ, हम जाते 11 बजे मैंने ऋषि आता हूँ। तब उनके उस सारी उस प्रेम में मुझे इतना डूबा हुआ देखा मैं कि वो मुझे छोड़ने के लिए वहाँ बाहर तक आए, आकर स्वयं निकल कार लेकर निकलने वाले थे। गुरु जी आप किसी को बोल दो वो छोड़ दे, एक आदमी को बुरा स्कूटी लेकर ले जाओ, मेरे आंखों में भी आ सकते हैं। गुरु जी की आंखों से वो मेरा गुरु जी को देखकर गुरु जी का प्रेम मुझे लगा, इतने श्रेष्ठ हैं और कितना प्रेम करते हैं विशेषों से। फिर हम दिल्ली आ गए, दिल्ली से यहाँ आ गए। फिर बाद में दूसरी गुरु पूर्णिमा भी 1998 की गुरु पूर्णिमा वहीं अनाउंस हुई। 5 जून का भी 1998 का गुरु जी का मैरिज डे था, वो भी हमने उसको भी अटेंड करने गया। हमें बात चलती गुरु जी बहुत बीमार हुए थे, बाद में जो बात चली हम पूरी गुरु पूर्णिमा की तैयारी कर चुके थे, लेकिन 3 जुलाई 1998 की जबकि 9-10-11 या 7-8-9 ऐसा कुछ गुरु पूर्णिमा शिविर था, और 3 जुलाई की रात को मुझको बॉम्बे हॉस्पिटल लीलावत हॉस्पिटल में मैं देखने गया, बात किया और गुरु जी उसी दिन रात में वहाँ प्लान करके चले गए। तब भी गुरु जी ने जो भी कहा मुझे आज भी याद है। फिर ये बात आई गई, सब हो गई, सब चले गया। मैं इस ये बात यहाँ तक इसलिए बोल रहा हूँ, गुरु पूर्णिमा के बाद आज तक तो पूरा आश्रम चलाता रहा, जैसा भी गुरु कृपा से चलता रहा, मैं चलाता रहने के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि गुरु कृपा से चलता रहा। आज निखिल चेतना केंद्र के कम से कम 20 से 21 शाखाएं हुई हैं। भाग्य में कभी जीवन में समझिए एक शाखा के कुछ बांध नहीं सकता, लेकिन लोगों का गुरु कृपा इतना प्रेम से इतना हुआ कि शाखाएं भी खुल गई हैं निखिल चेतना केंद्र के। अपने अपने लोग अपने अपने मंदिर बांध रहे हैं, आपने देखा है बापदेव है, मुसाफड़ी है और बारशी है, गुजरात वालों ने भी कहा है, वैसे अमेरिका में भी उन्होंने स्थल ले लिया है। इस तरह 21 से 22 निखिल चेतना केंद्र की शाखाएं हुई। तो ये शाखाएं होने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा और सब चीज़ चल रहा है, लेकिन बैठे बैठे 10 वर्ष से भी ये हो रहा है कि मेरे बाद निखिल चेतना केंद्र का क्या, कौन देखेगा, कैसा चलेगा, कहाँ से मैं यहाँ मैं था, जैसा पैसा आया हो गया, कैसा सब चल रहा है हो गया, आगे कैसा होगा, आगे कैसा चलना चाहिए मेरे बात से। मैंने कोई आज भी अगर आप कभी मेरे अकाउंट में जाकर देखते हैं तो आपको 5,000 के सिवा कोई अकाउंट में ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और आप अगर निखिल चेतना केंद्र का खर्चा देखते हो तो हर महीने का 2 लाख रुपया है। सारी चीज़ें पैसा कहाँ से आता है कहाँ से जाता है नहीं मालूम। गुरु जी को गुरु कृपा से इतना कहता हूँ, आप लोगों लोग पूछने वाले गुरु जी कहाँ से चलता है, बोलता हूँ मैं गुरु जी ने अगर साधनाएँ दी हैं, लक्ष्मी साधना है, तारा साधना है, तो मेरे को तारा साधना से सोना आता है, तो सिर्फ पैसा का इसके आसान बनता है, बात यही है। पैसा भी चलता है, जैसा गुरु कृपा है चलता है, आश्रम तो चलना है, लेकिन बात दिल में ये रहेंगे कि आगे क्या होगा, आश्रम का कैसा चलेगा, इतना सब तो बढ़ा कर दिया। तब गत वर्ष गुरु पूर्णिमा से एक ही ध्यान लगा, गुरु जी आपने अच्छा ही या बुराई दी, क्योंकि आप आगे क्या होने वाले सोच सकते हैं, इसलिए आपने कहा हुआ कि कांचनजंगा के पास तेरे 2 वस्तुएं रखी हुई हैं, तो 2 वस्तुएं मेरे जाने के बाद भी तो बहुत जरूरी है, अगर निखिल चेतना केंद्र में रहें तो निखिल चेतना केंद्र 1,000 साल चल सकता है। मैंने गत वर्ष ही आपको कहा था कि हम गुरु जी ने कांचनजंगा में बनाएंगे, मेरा उसके प्रति यही था कि गुरु जी दर्शन देकर अगर वो 2 वस्तुएं देकर लाकर अगर आश्रम में रखता हूँ तो आश्रम आने वाले 1,000 साल चल सकता है। और आपको पता है जैसा ही ये संकल्प लिया उस दिन से लॉकडाउन लगा है, अरे मैं हर काम में हर ऐसा कोई काम देखता हूँ तो गुरु जी मेरी पहली परीक्षा थी। मानस सरोवर जाने गया तो बहुत ऐसी ऐसा सीन क्रिएट कर दिए गए कि इसके पास कहाँ से आता है, ये शिविर करता है, इसके पास वहाँ पूरे टीवी पे आ गया इंटरनेशनल पे कि विदेश के पास पैसा है, ये सब
बहुत बदनामी करने की बहुत लोगों ने सोची, लेकिन दुर्वास हुआ कुछ नहीं, लेकिन वो लोगों ने सोची उस समय भी ना, हमारा सर जाते समय होती हर अच्छे काम करने जाने से पहले। आप सब लोग कहते हैं गुरु जी आपको क्या, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे हर काम करने से पहले गुरु जी टेस्ट लेते हैं। रघुचरण और वो लोग साक्षी हैं, जब मानसरोवर हम पहुँचे और राउंड ताल के पास से हमने जब मानसरोवर और कैलाश पर्वत को देखा, तो कम से कम मैं आधा घंटा डेढ़ घंटा तक रोता रहा। केवल इसलिए कि जैसे गुरुजी मानसरोवर में अपने दोनों हाथ फैला कर खड़े हैं, जोशी तू जीत गया, ये सब लोग सिद्धाश्रम के लोग कह रहे थे, सभी लोगों ने कहा से कहा है कि तू नहीं आ सकता, तू नहीं आएगा, और मुझे ये शर्त रखी थी कि तुम जोशी के लिए कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, जोशी को यहाँ मानसरोवर उसके साधना के बल पर तुम्हारे पर विश्वास रखता है, तो उस विश्वास के बल पर आना चाहिए, नहीं तो वो आ नहीं सकता। इतनी परेशानियां मुझे उठाना पड़ा जब मैं मानसरोवर जा रहा था, और ये साक्षी है लोग शायद रघुचरण यहाँ है या है, तो मैं कितना रोया कितना, जब मैंने पहली बार उस दिन पहली बार जब हिमालय में हिमालय को देखा और कैलाश पर्वत को देखा, और तब गुरु जी ने कहा सभी लोगों को इस श्रेष्ठता के साथ कहा कि देख गुरु जी मेरे पर जोशी मेरे पर विश्वास करता है, वो यहाँ आ जाए हैं, उन सिद्धाश्रम के लोगों को बता रहे थे और मैं वहाँ पहुँचा था, मुझे आनंद की बात। और आज मैं ये कह रहा हूँ यही नहीं, मैं चार धाम यात्रा गया कभी भी परेशानी, कोई साधना करने जाता हूँ तो भी परेशानी, क्योंकि वो लोग साधना नहीं करेंगे। अगर ये साधना कर दिया तो ये कोई सिद्धाश्रम में आने आके रहने वाला नहीं, ये गुरु के मार्ग पर चलने वाला आदमी है। ये तो सारी साधनाएं गुरु जी ने जो दी है उसके और भी उससे भी 10 ज्यादा ही बढ़कर साधना पब्लिक में दे देगा और सिद्धाश्रम में लोग आने लगेंगे। ये पहले जोशी को रुकना चाहिए, ये रुकावट मुझे झेलनी ही पड़ती है। कोई भी काम करने जाओ, अगर अच्छा काम करने जा रहा हूँ तो, अब आप तो देख रहे हैं गए 10 साल भी सभी लोगों ने टिकट बुक कर लिया था, फ्लाइट टिकट्स हो गए थे, ट्रेन टिकट्स हो गए थे, और सडन मार्च के दिन उस वाले दिन लॉकडाउन लग गया। और आज भी आप देख रहे हैं जब जाना जाने इसकी पूरी पंचायत सब जो भाइया ने कहा अरे इस बार जाना ही है, जिस जाना है टिकटों का हो गया काम, होटल बुक हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया, वहां से आ नहीं सकते, एक एक रिस्ट्रिक्शन नहीं। वो आरटीपीसीआर का टेस्ट ले लो, कोरोना का टेस्ट ले लो, और आप विचित्र करेंगे कि हमने वो तो दो वैक्सीनेशन पत्नी पत्नी ने ले ही लिए थे, फिर भी आरटीपीसीआर का टेस्ट जरूर था, और आरटीपीसीआर का टेस्ट हमारा कल जाना है, आज तक नहीं आया था कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। और ये आप सब लोगों को भी ये परेशानी है जो मेरे साथ आना चाहते हैं। अभी भी लोग सिलीगुड़ी पे सुबह फोन आया कि अभी भी 20 लोग फंसे हुए, वो लोग कह रहे हैं उनको नेगेटिव रिपोर्ट लाने के बाद भी नहीं भेज रहे हैं, थोड़े लोग उससे पहले ही वहाँ से चले गए, थोड़े लोग हैदराबाद या कहाँ से आ रहे हैं वो लोगों को नहीं मिला नेगेटिव आया वो वहाँ से चले गए, ट्रेन में आए से लोगों को भी मैंने पीछे भेज दिया। तो ये भाग्य की बात है कि आना नहीं आया, अरे इस तरह की परेशानियाँ यहाँ आने से पहले आरम्भ हो रही, क्योंकि वो लोगों को पता है कि अगर ये आएगा तो ये ऐसी साधना वो लोगों को सक्षम तैयार करेगा कि वो एक नहीं 100 लोगों को लेकर आएगा, फिर सिद्धाश्रम आने दो या कहीं भी आने दो, तो इसको रोक दिए तो काम हो जाता है। और ये रुकावट के काम हर बात जिंदगी में चलती रही, और बस उस उद्देश्य को लेकर जो कि कांचनजंगा में उस कल्पवृक्ष है, उस कल्पवृक्ष के पास अगर गुरु जी दर्शन देकर उन दो वस्त्रों को मुझे प्रदान करते हैं तो लिखी जी काटते हैं। मैं आज भी गुरु जी को भी ज़बरदस्ती नहीं हूँ, लेकिन इतनी प्रार्थना करता हूँ कि अगर मिलता है तो मेरा निखिल चेतना के जो मैं गुरु जी का स्वर्ण मंदिर बांधना चाहता हूँ वो आने वाले 1000 वर्षों तक। स्वयं पत्रिका में कहा है कि जोशी दक्षिण का स्वर्णिम स्तंभ है, जैसे आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए चारों दिशाओं में, जोशी मठ है जो उत्तर की ओर है, श्रृंगेरी मठ है जो दक्षिण की ओर है, और इधर द्वारका है गुजरात में, और इधर पूरी उड़ीसा में इसी चार तरफ। वैसे गुरु जी ने भी 4 स्तंभ निकाले थे, और गुरु जी ने अपनी पत्रिका में 1997 में कहा था जोशी दक्षिण का स्वर्णिम स्तंभ है मेरे सिद्धाश्रम साधु परिवार का। बात है मैं हूँ या नहीं हूँ ये बात अलग है, लेकिन अब जब ये मेरे दिल में रहता है कि आगे कैसा करूँ, तो निखिल चेतना की स्थापना और आगे चलने की बात कहते हैं, तो मैंने हार कर ही मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, लेकिन कांचनजंगा में अगर गुरु जी देते हैं तो हमारा निखिल चेतना की तरफ भाग्य, और मैं उस गुरुदर्शन के साथ उन चीज़ों के साथ चाहता हूँ कि आप सब लोग भी उसका उस चीज़ का दर्शन कर सकें। इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कि मेरा स्वार्थ ये केवल यही है कि आप पूरे जन्म के उस साधु के स्थल को जहाँ गुरु जी ने उनको बुलाया था
और उस साधन गुरु जी को जो चीज गुरु जी ने जो हाथ छुपा के रखी थी, हम उस स्थान तक जाएंगे, प्रयत्न करेंगे कि गुरु जी हमें दर्शन दें। और प्रयत्न करेंगे कि देखिए आप कहेंगे गुरु जी हम उतनी दूर से आए हैं, हमारे को क्या दे रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, केवल वो स्थल बता रहा हूँ कि जहाँ गुरु जी ने जहाँ गुरु जी ने इन सारी चीज़ों को यहाँ लेकर समा उन्होंने साधनाएं की, संपन्न की थी, और यहाँ से थोड़ी दूर पर कानन शिला उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, जहाँ साधना की थी, वो थी उस चीज़ के लिए। और जो साधनाएं यहाँ गुरु जी ने उनके शिष्यों को करवाई थी और कहा था कि तुम यहाँ जब कभी भी इस मंत्र से साधना करोगे, मैं सिद्धाश्रम की योगियों को या कुछ न किसी रूप में आपको जरूर दर्शन दूंगा। वही साधना मंत्र आपको मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी कुछ कमी नहीं पड़े। अब आप सब लोग जानते हैं जो आए यहाँ वो तुम्हारे और मेरी इच्छा से, गुरु की इच्छा से आए हैं।